वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टॉय स्टोरी एंड स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब तो किया है बट नोटिफिकेशन बेल वो ऑन करना भूल गए हैं। गाइस मैं बता दूं सब्सक्राइब वाले बटन के बगल में यहाँ जो नोटिफिकेशन बेल एक घंटी का साइन होता है उस पर क्लिक करने के बाद ऑल वाला साइन आता है उस पर आप क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। साथ ही गाइस ऑल पर होने के बावजूद ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा तो आप ऑल पर ज़रूर कर लें। तो आइए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही गाइस मैं पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो गाइस आज का स्टोरी का जो टाइटल है वो जेनी एंड हर गोट्स। अब देखिए गाइस जेनी जो है वो किसी का नाम है एंड और हर गोट्स यानी जेनी और उसके बकरियां, जेनी और उसके बकरियां। गाइस यहां जो हर है वो जेनी का पोजेसिव है और हर से हमें यहां पता चल रहा है कि ये जो जेनी है वो फीमेल है, इसलिए यहाँ हर पोजेसिव का उपयोग किया गया है, हर गोट्स उसके बकरियाँ। एंड गाइस अगर यहाँ कोई मेल होता तो यहाँ हीस पोजेसिव का उपयोग किया जाता। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, मुझे आशा है कि आप ये हेडलाइन को आप समझ गए होंगे। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं और स्टोरी की ओर बढ़ते हैं एंड समझने का प्रयास करते हैं। तो गाइस हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। जेनी वॉज सीटिंग बाय द रिवर साइड। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि जो जेनी थी वो नदी के किनारे बैठी थी। रिवर साइड का अर्थ होता है नदी के किनारे। एंड गाइस जेनी सिंगुलर है इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज सिंगुलर का प्रयोग किया गया है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। वाइल जबकि हर गोट्स उसकी बकरियाँ ग्रेज ऑन द ग्रास। यहाँ कहने का अर्थ है जबकि जो उसकी बकरियाँ थी वो घास चर रही थी। अब देखिए गाइस जो जेनी थी वो नदी के किनारे बैठी थी जबकि जो उसकी बकरियाँ थी वो घास चर रही थी। गाइस यहाँ जो वाइल है इसका दो अर्थ होता है, एक अर्थ होता है जबकि एंड दूसरा इसका अर्थ होता है के दौरान, यानी कि वो खेलने के दौरान वो पढ़ाई कर रहा था या वो पढ़ने के दौरान खाना खा रहा था, तो के दौरान भी इसका अर्थ होता है। चलिए गाइस अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या होता है। सडनली गाइस सडनली का अर्थ होता है अचानक। तो अचानक सी सॉ टू मैन रनिंग टूवर्ड्स द रोड विथ गनी बैग्स। अब देखिए गाइस जो जेनी है वो अचानक देखती है अर्थात सडनली का अर्थ होता है अचानक, सी सॉ यानी जो जेनी है वो देखती है टू मैन यानी कि दो आदमियों को रनिंग दौड़ते हुए टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का अर्थ होता है की ओर, तो की ओर द रोड्स यानी रोड की ओर विथ गनी बैग्स यानी कि गनी बैग्स का अर्थ होता है बोरा अर्थात जिसमें हम सामान डालकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं वो बोरा। तो दो व्यक्तियों को जो गनी जो जेनी है वो भागते हुए रोड की ओर देखती है। अब गाइस यहाँ समझने वाली बात यह है कि सी यहाँ जेनी के लिए आया है एंड जो यहाँ शॉ है वो सी का पास्ट है। साथ ही गाइस मेन यहाँ प्लूरल लगा हुआ है क्योंकि दो व्यक्ति भाग रहे थे इसलिए यहाँ मेन लगा हुआ है, अगर एक व्यक्ति होता तो यहाँ एम ए एन होता। साथ ही गाइस इस लाइन में वैसी कोई चीज़ समझने वाली बात नहीं है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। रन फास्टर
तेजी से दौड़ो, द पुलिस इज अराउंड, पुलिस आसपास है, सी हेयर्ड, यानी कि ये सी किसके लिए आ रहा है, ये जेनी के लिए आ रहा है, तो जेनी यहाँ सुनती है सी हेयर्ड वन ऑफ देम से, यानी कि जो जेनी है वो सुनती है जो वो दो चोर भाग रहे थे उनमें से एक को ऐसा कहते हुए सुनती है कि रन फास्टर, तेज दौड़ो, द पुलिस इज अराउंड, पुलिस आस पास है, ऐसा कहते हुए जेनी है वो उनमें से एक को सुनती है। अब देखिए गाइस, यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब भी कहीं भी वन ऑफ देम या वन ऑफ द कभी भी वाक्य में या किसी भी स्टोरी में आए तो वन ऑफ के बाद हमेशा हमेशा ऑलवेज प्लूरल नाउन का उपयोग किया जाता है। तो गाइस ये बात को हमेशा नोट कर लीजिएगा या हमेशा इसे ध्यान में रखिएगा कि वन ऑफ द या वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर आगे और क्या होता है। वन ऑफ द मेन स्लीप एंड फेल डाउन एंड हिज गनी बैग ओपन। अब देखिए गाइस जो इसका हिंदी होगा कि उनमें से एक व्यक्ति स्लिप्ड का अर्थ होता है फिसल जाना एंड फेल डाउन और गिर गया। फेल डाउन का अर्थ होता है ज़मीन पर गिर जाना या नीचे गिर जाना, तो वो फिसल कर नीचे गिर गया। एंड हिज गनी बैग और जो उसका गनी बैग था अर्थात जो बोरे का बैग था या बोरे का जो थैला था वो ओपन, वो खुल जाता है। अब देखिए गाइस यहाँ भी वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है और उसके बाद यहाँ देखिए प्लूरल नाउन का उपयोग किया गया है क्योंकि वो दो व्यक्ति हैं, अर्थात इसका जो अर्थ होता है वो लोगों में या बहुत सारे लोगों में एक, तो वो दो लोग थे तो उनमें से एक। तो यहाँ जो वन ऑफ द का जो अर्थ है वो यहाँ कहने का अर्थ है कि उन दोनों में से एक जो है वो फिसल जाता है और वहाँ फिसल कर वो गिर जाता है एंड जो उसके हाथ में या उसके पास जो बोरे की जो थैली थी वो खुल जाता है। चलिए गाइस अब आगे चलते हैं। अ ग्लास टॉप बॉक्स केम स्लाइडिंग आउट। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक ग्लास से या शीशे से ढका डब्बा, यानी कि वो एक शीशे का ग्लास होगा जो ग्लास से बाहर अर्थात उसका जो बाहरी आवरण है वो शीशे का बना होगा या शीशे से ढका होगा, तो वो जो है वो स्लाइडिंग करते हुए यानी कि लुढ़कते हुए उस जो बैग होता है या जो बोरे होते हैं उनके पास जो गनी बैग होता है उससे स्लाइडिंग या लुढ़कते हुए बाहर आ जाता है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। जेनी वॉज शॉक्ड टू सी दैट देयर वर बटरफ्लाइज इन द बॉक्स। अब देखिए गाइस जो जेनी है वो अचंभित हो जाती है, अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि जो जेनी है वो शॉक्ड हो जाती है या वो चौंक जाती है, ये भी बोलना सही होगा कि जो जेनी है वो चौंक जाती है टू सी यानी कि देखकर कि दैट दे वर बटरफ्लाई इन द बॉक्स, अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि जो जेनी है वो चौंक गई कि डिब्बे में जो उस तितली या उस जो बॉक्स में जो बटरफ्लाई थे यानी कि जो तितलियाँ थी उनको देखकर वो चौंक जाती है। जेनी वॉज शॉक टू सी दैट देयर वर बटरफ्लाई इन द बॉक्स, अर्थात जो उस डिब्बे में या जो लुढ़क कर जो बाहर आया था उस डिब्बे में बटरफ्लाई था या तितलियां थी उसको देखकर वो चौंक जाती है। देखिए गाइस यहाँ बटरफ्लाइज प्लूरल है इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब वर का उपयोग किया गया है। साथ ही गाइस यहाँ जो पैसिव लगा हुआ है यानी जेनी वाज शॉक्ड, अर्थात यहाँ जेनी शॉक नहीं कर देती या जेनी किसी को शॉक्ड नहीं करती है बल्कि खुद यहाँ जेनी जो है वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वॉज के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ जो ये सेंटेंस है वो पैसिव बन रहा है अर्थात क्रिया यहाँ जो है वो जेनी के ऊपर हो रहा है, अर्थात यहाँ शॉक्ड कौन हो रहा है, यहाँ जेनी हो रही है शॉक्ड। तो गाइस मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, वो जो बटरफ्लाई से भरा जो शीशे का बॉक्स था उसको देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। द मैन क्विकली पिक
of the box and rushed to a car standing nearby. अब देखिए गाइस, जो फिसल कर जो व्यक्ति गिरा था वो जल्दी से उठता है, और या हम यह बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो क्विकली पिकअप यानी कि जल्दी से उस बॉक्स को उठाता है एंड रश और भागता है टू अ कार यानी उस कार की ओर जो स्टैंडिंग नियर यानी कि उस कार की ओर भागता है जो कार उसके नज़दीक में खड़ी थी या उन लोगों ने शायद उस कार को जहां खड़ी कर रखी थी उस कार की ओर भागता है। अर्थात यहां ये भी हम कह सकते हैं कि वो नज़दीक खड़े कार की ओर भागता है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। हिज फ्रेंड वॉज वेटिंग इनसाइड। अब देखिए गाइस, जो उसका दोस्त था वॉज वेटिंग, वो प्रतीक्षा कर रहा था इनसाइड यानी कि अंदर। इनसाइड का अर्थ होता है अंदर। यहाँ गाइस हिज पोजेसिव है अर्थात उसका दोस्त वॉज वेटिंग। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया गया क्योंकि वॉज के साथ वी फोर का उपयोग किया गया, तो उसका जो दोस्त था वो प्रतीक्षा कर रहा था अंदर में। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। ओ ये गैस एक्सप्रेशन निकल रहा है, दिस मस्ट बी मिस्टर रेस बटरफ्लाइज। ये अवश्य ही होगा मिस्टर रे का बटरफ्लाई, अर्थात ये अवश्य ही मिस्टर रे के तितलियां होगी, ये सोचना है जेनी का। अब चलिए गैस आगे देखते हैं। एंड गैस यहाँ एपोस्ट्रोफिस लगकर एस आ रहा है, इसका अर्थ होता है का, अर्थात ये ऑफ का साइन देता है या ऑफ का अर्थ देता है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। दे वर स्टोलेन यस्टरडे। वे जो कल चोरी हो गई थी, थॉट जेनी, ऐसा जेनी सोचती है कि वे सभी मिस्टर रे के तितलियां होंगी जो कि कल चोरी हो गई थी, ये जेनी सोचती है। अब समझने वाली बात यह है गाइस कि दे के कारण यहाँ हेल्पिंग वर्ब वर आ रहा है, क्योंकि ये दे है वो प्लूरल है, इसीलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वर का उपयोग किया गया है। चलिए गाइस अब आगे चलते हैं। सी कॉल्ड ऑल हर गॉड्स। देखिए गाइस सी यहाँ जो है वो जेनी के लिए आ रहा है। कॉल्ड का अर्थ होता है बुलाना, तो जो जेनी है वो बुलाती है ऑल हर गोट्स, अपने सभी बकरियों को। एंड वेरी सून, और बहुत ही जल्दी द रोड वॉज फील्ड, जो रोड है वो भर जाता है विथ द हर्ड ऑफ गोट्स, अर्थात बकरियों के झुंड से जो रोड है वो जल्दी ही भर जाता है। अर्थात जो जेनी है वो अपने सभी बकरियों को बुलाती है और कुछ ही देरी में जो सारा रोड है वो भर जाता है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर द कार टू मूव। अब देखिए गाइस यहाँ ये हो रहा है कि जो जेनी है वो अपने सभी बकरियों को बुला लेती है और रोड उसके बकरियों के कारण जाम हो जाता है, तो उस कार के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है मूव करना, अर्थात इधर उधर मुड़ना या वहाँ से निकलना उन चोरों के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जो बकरियाँ हैं वो रोड में जमा हो जाती है। तो चलिए गाइस अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या होता है। सून द पुलिस अराइव एंड अरेस्टेड द थीप्स फ्रॉम द कार। अब देखिए गाइस समझने वाली बात यहाँ यह है कि सून का अर्थ होता है जल्दी, या हम इसे बोल सकते हैं आनन फानन में। तो गाइस आनन फानन में द पुलिस, जो पुलिस होती है वो अराइव आती है एंड अरेस्टेड और गिरफ्तार करती है द थीप्स चोरों को फ्रॉम द कार, अर्थात कार से उन चोरों को गिरफ्तार कर लेती है। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। द टिंकल ऑफ, गाइस टिंकल का अर्थ होता है झंकार या हम बोल सकते हैं आवाज़। तो गाइस द टिंकल ऑफ योर गॉड्स बेल, अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि
तुम्हारे बकरियों का जो बेल है या जो तुम्हारे बकरियों में जो घंटी लगी हुई है वो सिग्नल हमें संकेत दिया, ईडी लगा हुआ है अर्थात संकेत दिया टू अस, हम लोगों को, डैट कि समथिंग, समथिंग का अर्थ होता है कुछ, वॉच रोंग अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि जो तुम्हारे बकरियों में जो घंटी लगा है उन्होंने हमें संकेत दिया कि कुछ गलत है या कुछ गलत हो रहा है या कुछ बोल सकते हैं कि कुछ रोंग है या कुछ गलत यहाँ है। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं। सेड द पुलिस इंस्पेक्टर टू जेनी। देखिए गाइस ये सारी जो बातें हैं वो पुलिस इंस्पेक्टर जेनी से कहता है कि जो तुम्हारे बकरियों का जो बेल है या जो तुम्हारे बकरियों के गर्दन में जो बेल लगा है उनसे हमें संकेत मिलता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है या यहाँ कुछ गलत था। एंड गाइस आगे भी देखते हैं कि और आगे क्या होता है। एंड ही थैंक्ड हर, और ही यहाँ किसके लिए आया है, ही यहाँ जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर के लिए आया और जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो थैंक्ड अर्थात धन्यवाद देता है किसे, हर जेनी को। एंड गाइस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड हम थोड़ी डायग्राम देख लेते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो चोर को पकड़ा है एंड जेनी उसके बगल में है, साथ ही उसकी जो बकरियां हैं वो भी बगल में है। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही गाइस मैं फिर से याद दिलाता हूँ, नोटिफिकेशन बेल आप ज़रूर ऑन कर ले। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।